दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मार्केट में चैट जीपीटी का काफी हो हल्ला हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना हो हल्ला आज से पहले कभी नहीं देखा। जहां चैट जीपीटी की वजह से एआई का जादू हर किसी ने देख डाला है, वहीं ये बात भी अब सामने आने लगी है कि जल्द ही ये कई लोगों की नौकरियां खा जाएगा। इवन इसे खुद पूछा गया कि चैट जीपीटी तू ही बता किस किस की नौकरी खा जाएगा। वेल, इसने करीब 20 ऐसे नौकरी धंधे की बात कह डाली जिनकी ये नौकरी खा जाएगा। खैर, इसकी बात कितनी सही है या कितनी गलत ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बात करेंगे उन चार कंपनियों की जिनकी चैट जीपीटी की वजह से भट्टियां बुझने वाली है। नंबर एक, गूगल सर्च इंजन। दोस्तों पिछले दो दशक से सर्च इंजन के मामले में गूगल का एक छत्र राज हुआ करता था, जहां गूगल ने सर्च इंजन के मार्केट में किसी और को घुसने तक नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में गूगल सर्च इंजन कम और एड एजेंसी ज्यादा बन गई है। लोग इसके एड देख देख कर इतने परेशान हो गए कि अब तो दूर से ही राम राम बोल रहे हैं। लोग इस पर कुछ भी सर्च करें, ये पहले एड दिखाता है, बाद में जानकारी देता है। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी आया, लोग इसे सीधे तौर पर गूगल की अनऑफिशियल डेथ बताने लगे, क्योंकि चैट जीपीटी के रिजल्ट सीधे होते हैं। जो जानकारी चाहिए वही देता है ये, ना कि 10 वेबसाइट से पहले 5 एड। और हाँ, आपको बता दें कि गूगल की इनकम एड से ही होती है, इसके बिना ये बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गूगल ने एआई पावर्ड सर्च इंजन नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने कोशिश की और उसके चक्कर में 100 बिलियन गवा भी बैठे। नंबर दो पर आती है प्रोग्रामिंग सिखाने वाली कंपनियां। दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन लगा, भारत समेत पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात का हवा बन गया कि अब तो सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखने में ही फ्यूचर है। पूरी दुनिया ने देखा कि आईटी सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसने लॉकडाउन में भी वर्क फ्रॉम होम से धुआंधार पैसा छापा। लेकिन जैसे ही कोविड के बादल हटे, पूरी दुनिया ने सच्चाई को करीब से देखा। जहां हर कोई आईटी सेक्टर में घुसने के लिए प्रोग्रामिंग सीख रहा था, कोविड के खत्म होते ही लेऑफ की खबरों ने लोगों के हाथ पांव फुला डाले। भारत में बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने का दावा करने वाला व्हाइट हेड जूनियर, जो कोविड के समय करोड़ों का बिजनेस कर रहा था, आज बंद होने के कगार पर है। इसमें सबसे बड़ा योगदान चैट जीपीटी का ही है, जिसने प्रोग्रामिंग सीखना पहले से आसान कर दिया है। नंबर तीन, वेब डिजाइनिंग कंपनीज। दोस्तों आईटी सेक्टर में अब वो बात नहीं रही। जो कंपनी वेब डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करवा रही थी, उन्हें भी तगड़ा झटका लगा चैट जीपीटी की वजह से। एक और जहां पहले ये छोटी सी वेबसाइट बनाने के तगड़े पैसे चार्ज कर रहे थे, अब उन्हें अपनी दुकान बंद करने की नौबत आन पड़ी है। पहले लोग इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर विजिट करने को प्रेफरेंस देते थे, अब वही लोग चैट जीपीटी का रुख करने लगे हैं, जहां इन्हें इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए सैकड़ों वेबसाइट पर विजिट नहीं करना पड़ता और ना ही एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करना पड़ता। अब जब लोग वेबसाइट पर जा ही नहीं रहे, तो लोग वेबसाइट बनाएंगे ही क्यों। कुल मिलाकर चैट जीपीटी वेब डिजाइनर्स का धंधा खा गया। नंबर चार, एप डेवलपर कंपनीज। दोस्तों आज से कुछ साल पहले एप डेवलप करने वाली कंपनी की चांदी हुआ करती थी, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि एप डेवलपमेंट स्टेज पर अगर कुछ एरर आते हैं, तो खुद कंपनी के एम्प्लॉई चैट जीपीटी पर एरर ढूंढने लग रहे हैं, और ये बात जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। अब अगर किसी को थोड़ा बहुत भी एप डेवलपमेंट का नॉलेज है, तो वो सीधे चैट जीपीटी की हेल्प से एप डेवलप कर लेगा। दोस्तों कह सकते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, और वही किया है चैट जीपीटी ने। जो लोग पहले आईटी के जरिए एआई को डेवलप करने में लगे हुए थे, अब एआई इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इन्हीं लोगों की ले रही है। खैर दोस्तों, एआई कितनी ही स्ट्रांग हो जाए, एक ऐसा सेक्टर है जिनकी वो नौकरी कभी नहीं खा सकती, वो है बेरोजगार लोगों का सेक्टर। खैर दोस्तों, आप क्या करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या आपकी भी नौकरी चैट जीपीटी खा सकती है, ये भी हमें बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।